शिवपुरी जिले की करहरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 स्मैक तस्कर को 4 लाख कीमत की 20 ग्राम स्मैक सहित इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी करहरा TI सुरेश शर्मा ने बताया कि करहरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की क्रैश पुत्र रामचरण धाकड़ निवासी ग्राम कलोरा थाना फतेहगढ़ जिला गुना का ट्रक में बैठकर शिवपुरी तरफ से स्मैक लेकर करहरा तक तरफ आ रहा है। क्रैश धाकड़ जो पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए है, उक्त सूचना की तस्दीक हेतु थाना करहरा फोर्स द्वारा सिल्लारपुर तिराहा हाईवे रोड करहरा पुलिस पहुंचकर चेकिंग लगाई तो मुखबिर के बताए हुए का पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति शिवपुरी तरफ से आ रहे ट्रक से तिराहे से थोड़े पहले उतरा और ट्रक झांसी तरफ को चला गया। जैसे ही उस व्यक्ति ने पुलिस को देखा तो भागने लगा, जिसे पुलिस फोर्स की मदद से पकड़ा। उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम क्रैश पुत्र रामचरण धाकड़ उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम कलोरा थाना फतेहगढ़ जिला गुना का होना बताया। आरोपी क्रैश धाकड़ से एक पारदर्शी पॉलिथीन की थैली जिनमें 20 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक कीमत 4 लाख रुपए, एक इलेक्ट्रॉनिक तौल काटा कीमत 5,000 रुपए, कुल माल मशकूरा 4,05,000 को विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट का केस कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी से स्मैक सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। कल आपने जो कार्रवाई की है वो क्या मामला है? कल शाम को सूचना प्राप्त हुई एक व्यक्ति फतेहपुर से ट्रक से भारी मात्रा में अवैध रूप से स्मैक लेकर आने वाला है। उस सूचना के आधार पर सिल्लारपुर तराई पर चेकिंग लगाई गई। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ट्रक से उतरकर पैदल चलकर आ रहा था, जिसका नाम पता पूछा तो क्रैश धाकड़ निवासी फतेहपुर जिला गुना का होना बताया। आरोपी की तलाशी ली गई, उसके पेंट की जेब से 20,000 स्मैक मिली जो कीमत करीब 4 लाख रुपये की थी। आरोपी से लाइसेंस चाहा तो ना होना बताया। आरोपी के विरुद्ध 8/21 NDPS के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी से सप्लायरों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।